वेलकम बैक दोस्तों, आज आ गए फिर हम राजनगर प्रखंड के प्रमुख साहब जी के पास, मिथिलेश चौरसिया जी के पास, जो अपना चार साल का इंट्रोडक्शन पूरा, चार साल का रिपोर्ट कार्ड पूरा देंगे, सारा चीज बात होगा, सारे टॉपिक पे बात होगा। तो सबसे पहले हम प्रमुख साहब जी से अपना अपने रिवर्स के लिए इंट्रोडक्शन लेंगे, परिचय देंगे। प्रमुख जी, मेरा नाम मिथिलेश चौरसिया हुआ, राजनगर प्रमुख प्रतिनिधि करता हूँ मैं, और गुड न्यूज की तरफ से जो आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और राजनगर जनता को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने हमें प्रमुख बनाने में मदद की, और ढेर सारे शुभकामना देता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी, आपने मधुबनी गुड न्यूज को धन्यवाद व्यक्त किया, आप भी सारे मधुबनी की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी इंटरव्यू देने के लिए, अपने चार सालों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हम प्रमुख जी बात करेंगे, ये मिथिलेश चौरसिया जी प्रमुख नहीं है लेकिन प्रमुख प्रतिनिधि है, सारे कार्यभार यही करते हैं, इनके यहाँ से यही सारा कुछ करते हैं, तो इन्हीं से बात करेंगे। प्रमुख जी को मानता माने हैं, इन्हीं से बात करेंगे। तो देखिए प्रमुख जी, होता क्या है कि आपको अपने पंचायत में पंचायत प्रतिनिधि के लिए चुना गया, समिति के लिए सबसे पहले आपको वोट किया गया कि विकास के नाम पे कि हमारा पंचायत विकास करेगा, उसके बाद आपको प्रमुख के लिए चुना गया कि चूंकि पूरे प्रमुख को पूरे प्रखंड का मालिक होता है प्रमुख, जितना वीडियो का पावर नहीं होता है उससे ज्यादा प्रमुख का पावर होता है। तो आप ये बताएंगे प्रमुख जी कि आप अपने क्षेत्र में तकरीबन कितने विकास किए हैं, लोगों ने इसी विकास के नाम पे वोट दिए थे आपको, कि आप इसमें कितने खड़े हुए, सारे टॉपिक पे बार बार बारीकी से बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लाइन में बात करेंगे कि तकरीबन आपने अपने पंचायत में या अपने प्रखंड में, पंचायत नहीं पूरे प्रखंड की बात करेंगे, कि आपने अपने किसने पोस्ट से कितने सड़कें बनवाए, ट्रांसपोर्ट लाइन की बात करेंगे, आपने अभी तक चार साल में कितने सड़क बनवाए। देखिए हम लोगों को पंचायत समिति में फंडिंग बहुत कम है, सरकार ने फंड बहुत कम दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे राजनगर प्रखंड में 35 पंचायत समिति सदस्य हैं, बट साल में कभी 32 लाख आता है तो कभी 34 लाख आता है, पर हेड एक लाख भी नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से थोड़ा थोड़ा फंडिंग दे करके छोटा छोटा जो गली सड़क होते हैं उनको बनवाते हैं, ऐसे में तो सारे समिति लगभग लगभग 30 समिति को लगभग लगभग फंड मिला हुआ, अभी तक सबने अपना अपना एक एक रोड बनवाया है, तो लगभग 30 रोड गली बना है पंचायत समिति के। और कुछ 2018 में मनरेगा आया हम लोगों को, पहले मनरेगा पंचायत समिति ही करते थे, फिर बीच में बंद हो गया था, 2011-12 में सरकार ने बंद कर दिया मनरेगा पंचायत समिति करने से, मुखिया जी करते थे, फिर 2018 में सरकार को लगा कि नहीं इन लोगों के पास फंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, होला हुआ, उसके बाद में फिर सरकार ने मनरेगा में पंचायत समिति को जोड़ दिया, मनरेगा में काम हुआ है और पंचायत समिति को है, काम हम भी करवा सकते हैं, हम भी जनता में शुरू हो सकते हैं, नहीं तो पंचायत समिति के लिए कुछ जनता में करने के लिए कुछ है ही नहीं, सरकार ने कुछ दिया ही नहीं, यही सब समस्या है। पहले सरकार ने अथॉरिटी दी थी प्रमुख को, सिग्नेचरी पावर दिया था, उससे थोड़ा सा दबदबा भी रहता था, सरकार ने तो वो भी खत्म कर दिया, सिग्नेचरी पावर भी खत्म कर दिया, उससे क्या है कि और भी जो भी पदाधिकारी को थोड़ा सा भय रहता था वो भी खत्म हो गया, तो यही सब समस्या है पंचायत समिति में जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी, आपने बताया कि हमारे यहाँ फंड बहुत कम आता है, तकरीबन 30-35 लाख रूपये आते हैं, उसमें से भी सारे समिति को बांट दिया जाता है और जो भी कुछ है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, प्रमुख जी कहते हैं कि हमने अपने प्रखंड में कम से कम तकरीबन 30 सड़कें अभी तक बनवा चुके हैं, जितना कम फंड आता है उसमें बहुत ज्यादा काम किए, तो मेरे सरकार से और प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर से यही निवेदन है कि समिति जी सबका भी निवेदन सुना जाए, जितने मुखिया के पास फंड आते हैं उतने समिति का भी होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए, 50% कम से कम होना चाहिए, तब जाकर विकास होगा, ये प्रमुख जी का कहना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी, आपने प्रमुख जी सुना होगा कि राजीव गांधी कहते थे कि केंद्र से अगर एक रुपया भेजा जाते थे, पहले बोलते थे राजीव गांधी,
तो यहाँ लाभुकों के पास एक पैसा आता था, अगर वहां से एक रुपया भेजते थे तो एक पैसा पांच पैसा या कुछ ऐसे करके आते थे। लेकिन आप आज के जमाने में वो समस्या खत्म हो गए। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम किया कि एक रुपया अगर केंद्र से आता है तो पूरे एक रुपया लाभुकों को मिलेगा। इसके तहत आपने अपने प्रखंड में, राजनगर प्रखंड में तकरीबन कितने गरीब गुरबा लोगों को पेंशन का काम करवाए, पेंशन दिलवाए, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, क्योंकि पेंशन पे ही गरीब गुरबा लोग आश्रित रहते हैं, यही उनका मूल्य है, यही उनका स्रोत है। क्योंकि अवस्था होने के बाद, एजेंट होने के बाद वो वर्क नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। तो आपने प्रमुख जी, आपने अभी तक अपने प्रखंड में कितने गरीब गुरबा को पेंशन दिलवाए? देखिए, ये तो डाटा मेरे पास नहीं है, बट जो भी मेरे पास आए हैं, जितना भी आए हैं, हमने खुद जा करके आरटीपीएस में, खुद अपने चैम्बर से उठ करके जा करके खुद काम करवाए हैं। इस सबका तो जनता ही कहेंगे कि हाँ काम करवाया नहीं करवाया प्रमुख जी ने, बट मेरे पास जो भी आए मैंने सबका काम करवाया। और बहुत आदमी लाभान्वित हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो डिजिटल पेमेंट करवाए हैं सबको, उससे क्या हुआ है कि जनता में अब जो जिसको 400 रुपये पेंशन मिलता था, वो 400 के 400 से खाते में जाते हैं, वो जाकर के 10 रुपये दे करके अपना किसी भी पास, किसी भी चौक चौराहे पे, सीएससी सेंटर पे जाकर के अंगूठा दे करके 400 रुपये एकदम सुरखुरू होकर के लाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पहले तो क्या है, बिचौलिया सब अपना 400 आया तो 200 इधर उधर हो गया, 200 भी नहीं मिलता था बेचारे सबको। लेकिन इस चीज का तो फायदा हुआ है कि जितना पैसा आता है उनके अकाउंट में आता है। अब इस बात को भी नहीं कह सकते कि इधर उधर नहीं होता है। अब जिसको अपना, आप हमारे जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में पैसा आया प्रधानमंत्री आवास का, 40,000 रुपये आता है फर्स्ट किस्त में। अब उसमें से हम बिचौलिया को हम अपना पैसा निकाल के लुटा देंगे, उसमें तो सरकार का कोई दोष नहीं है। अगर मेरे पास पैसा आया तो मेरा है, मैं क्यों किसी को दूंगा? इसलिए जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि जिसके पास भी जो भी पैसा जाता है अकाउंट में, या प्रधानमंत्री आवास का हो या वृद्धा पेंशन का हो या पारिवारिक लाभ का हो, वो भी पैसा हो तो वो आपका है ना किसी का। तो आप लोग से अनुरोध है, जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये पैसा अपने अकाउंट से निकाल के किसी को ना दे। कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये जो कोई धमकाता है या डराता है कि नहीं दोगे तो हम वापिस करवा देंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ खोखली धमकी है। आपका पैसा आप ही को मिलेगा, आप नहीं भी देंगे तब भी आपके अकाउंट में आएगा, देंगे तब भी आएगा। इसलिए किसी को ना दे, आपका पैसा अकाउंट में गया तो वो आपका है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख जी ने एक अच्छी बात बताया कि आप लोगों के लिए, राजनगर के, राजनगर प्रखंड के जितने भी जनता है उन लोगों के लिए बताया है कि जो भी फंड आता है, जो भी आपको लाभ मिलते हैं, ये थर्ड पार्टी को बीच में ना आने दें, कोई भी करप्शन की मामला नहीं होना चाहिए, किसी को एक पैसे नहीं मिलना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी। अब हम बात करेंगे कि आपके प्रखंड में बहुत सारे गरीब गुरबा व्यक्ति है, बहुत गरीब गुरबा है, देखे हैं बहुत है, लेकिन ऐसे भी है तो अभी भी देखे हैं कि घर नहीं है बहुत लोगों को। लेकिन वो पहले क्या होते थे कि इंदिरा आवास आते थे, उसमें थर्ड पार्टी सारे पैसा खा देते हैं। अभी भी वही उसी तरह का चल रहा है, सुन रहे हैं माहौल है ऐसा चल रहा है। अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुए है, उसमें भी डायरेक्ट लाभुक के खाते में पैसा आता है। अभी भी वही समस्या थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं चल रहा है, लोगों से सुनने में आ रहा है कि मुखिया जी आवास में 20,000 रुपया लेते हैं और शौचालय में 2,000 रुपए लेते हैं। ये मुखिया नहीं, यहाँ से लेकर के वीडियो तक सारे करप्शन से घिरे हुए हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने अपने प्रखंड में तकरीबन कितने आवास दिलवाए हैं और ये क्या मामला सही में चल रहा है? देखिए, पिछले साल जो है फिर 2018-19 में डाटा आया था, आपका 1700 डाटा आया था, तो उसमें से क्या था, कुछ डबलिंग था कुछ था, तो वो सब कार्डबोर्ड के 1000 लगभग घर मिला राजनगर प्रखंड, 1000 से एवं ऊपर भी मिला। और दूसरी बात है कि करप्शन वाली बात है, तो देखिए मैंने पहले भी बताया है कि जिसके अकाउंट में आता है उसका है। अब वो अपना पैसा किसी और को दे दे क्या करे, उसमें तो कुछ नहीं कह सकते, किसी घर घर जाकर के समझाना नहीं समझा सकते और न पब्लिक समझने को तैयार होती है।
और हमें तो ऐसा नहीं कुछ मिला है कि मुखिया जी 20,000 ले लेते हैं, फलाना ले लेते हैं, चिलाना ले लेते हैं, ऐसा तो अभी तक कोई कंप्लेन मेरे पास नहीं आया है। दूसरी बात, घर दिलवाने में पहले क्या होता था, किसी का कोई भी अपना जाकर के रसूख रख करके भी कटवा देता था नाम, वैसा भी नहीं है। अब तो फाइनल लिस्ट होकर के वहीं से आता है और वो डाटा पे यहाँ से लेकर के दिल्ली तक चढ़ा रहता है, तो वो कोई हटा नहीं सकता उसका नाम और न कोई जोड़ सकता है। जोड़ने का टाइम आता है जब सरकार का निर्देश होता है कि नहीं भाई, जिसको घर नहीं है उसका नाम जोड़ा जाए और उसको मिलना चाहिए, तभी वो टाइम पे जोड़वाया जाता है। और फिर वीडियो साहब सब अपना तंत्र रखे हुए हैं, उनसे पता करवाता है कि भाई इनको पक्का मकान है या नहीं है जिसका नाम आता है। अगर पक्का मकान होता तो उनको नहीं मिलना है, पक्का मकान नहीं है तो उनको मिलना है, उसी हिसाब से आगे काम करते हैं। तो ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है जो कि मुखिया जी सब 20,000 लेते हैं, ऐसा कोई कंप्लेन मेरे पास अभी तक नहीं आया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी, आपने बताया कि तकरीबन इससे पहले हमने 1700 आवास अपने प्रखंड में बांटे थे, आए थे, लिस्ट बन के आए थे और मिले थे, लाभुकों को मिले थे और नए वाले भी लिस्ट आए हैं, जितने लोगों को बाकी भी है, सारे लोगों का सीरियली वाइज काम हो रहा है और आधार एंट्री का काम जारी है और मिल जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी। अब मेरा आखिरी सवाल, आखिरी क्वेश्चन है, आप भी जानते होंगे कि बॉर्डर पे जवान और खेत में किसान, अगर ये दो व्यक्ति अगर काम नहीं करेंगे तो हम भूखे रह जाएंगे। अगर बॉर्डर पे जवान काम नहीं करेंगे तो हम असुरक्षित रह जाएंगे, हम अपने देश में सुरक्षित नहीं रहेंगे, अच्छा से नहीं रह पाएंगे। और खेत में अगर किसान काम नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे तो हम भूखे रह जाएंगे। इन दोनों के लिए अगर मान लीजिए, फौज के लिए तो बहुत अच्छा किया है आपके प्रधानमंत्री जी ने कि रफेल लाए हैं, सारा चीज किया है, मजबूत कर दिए है, लेकिन किसान हमको तकरीबन कहीं कहीं ना कहीं लग रहा है कि मजबूत नहीं हुआ है, किसान मजबूत नहीं है, सुखाड़ से, दहाड़ से, सारा चीज से ग्रस्त हो गए हैं, किसान टूट गए हैं। लेकिन उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे योजना लाए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, फसल क्षति बीमा योजना, इससे किसानों को कहीं ना कहीं लाभ हुआ है, लेकिन सारी समस्या दूर नहीं हुआ है, किसान लाभ ले रहे हैं, थोड़ा लाभ मिल रहा है, उसको सहायता थोड़ा मिला है, लेकिन पूरी तरह खुश नहीं है किसान। तो इस पे आपने अपने प्रखंड में कितने फंड लाए हैं, कितने फंड दिलवाए हैं, जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो या फसल क्षति बीमा हो, आपने अपने प्रखंड में कैसे किस तरह रखे हुए हैं किसान को? देखिए हमारे प्रखंड में अभी भी 2,000 रूपये पर 4 महीने पे आता है प्रधानमंत्री वाले जी बीमा, तो पेंशन योजना है वो एक हिसाब से सोचिए तो, जो किसान के लिए है, बहुत सारे आदमी को मिला है। और फसल क्षति में भी बहुतों आदमी के अकाउंट में 13,000, किसी के 10,000, किसी के 12,000 आए हैं। हमारा इलाका जो है बाढ़ ग्रस्त है, कभी देखिए ज्यादा पानी अगर नेपाल से छोड़ दिया जाता तो बाढ़ आ जाता है, अगर वहां से नहीं छोड़ा जाता है, किसी बार बारिश नहीं होता है तो सुखाड़ आ जाता है, तो ये तो कुदरत का देन है हमारे इधर। फिर भी सरकार ने बहुत सारे कोशिश की है और कर रहे हैं, इसमें योजना जो भी आता है वो पब्लिक में मिलता है, पब्लिक भी इधर का उतना अवेयर नहीं है कि हमको क्या चीज में मिलना है, क्या चीज में नहीं मिलना है, इसका प्रचार प्रसार भी सही ढंग से उतना नहीं हो पाता है, इसलिए बाकी कुल मिलाकर के सब ठीक ठाक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने किसान भी अच्छे काम किए, अच्छे वर्ग किए, जो भी किसान है उनको जागरूक किया है और किसान खुद जागरूक है, आपके प्रखंड में सारे किसान, और आपके पास समस्या है, आपके प्रखंड में बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या है कि नेपाल से पानी छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे बाढ़ आ जाते हैं और किसानों का फसल बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी समाधान कर रही है, नहरें खुदवाई करवा रही है, नाले सब बनवा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे एक और सवाल करेंगे, आखिरी सवाल, कि मुख्यमंत्री जी का सपना है, एक सपना था कि हर घर नल का जल है ना, 7 निश्चय योजना से आता है वो, हर घर नल का जल, तो इस पे आपके प्रखंड में कितने खड़े उतरे हैं, ये योजना चल रहा है कि नहीं, कैसा चल रहा है, बना है कि नहीं, क्या हो रहा है अभी तक बताइए। देखिए नल जल में जो है समस्या ये है कि वार्ड बाय वार्ड करना है इसको, हर एक घर में जल नल का वार्ड बाय वार्ड काम चल रहा है, सभी वार्ड सदस्य क्रियावन को जो है दिया हुआ है काम, और कुछ में तो एक दो पंचायत में जो है किसी वार्ड में अभी तक तो पानी चालू हुआ है, बाकी में अभी तक
समझिए 90% में अभी तक पानी चालू नहीं हुआ है। कारण यह है कि अब जिसके घर के आगे खोदने जाते हैं वही दिक्कत कर देता है। प्रॉब्लम तो है, कोई पब्लिक भी नहीं चाहता है कि ये काम हो, कुछ उधर से भी प्रशासनिक भी कमी है कि दबाव नहीं डाला जाता है कि जल्दी से काम किया जाए। इसमें गड़बड़ है, जहां जहां हम जाते हैं ये रोड सब क्या है कि रोड जहां जहां खोद देते हैं, कारण ये भी है कि नहीं खोदने देता आदमी से, जहां जहां खोद देते हैं उसको जो है फिर भरपाई नहीं करता, जबकि ऐसा है नियम में कि जहां पे वो खोदेंगे उसको फिर पक्का कर देंगे, बना देंगे, बट बनाया नहीं जाता ठेकेदार की वजह से या जिसके भी इसके वजह से भी दिक्कतें आ रही है। तो और दूसरी बात है कि जिनके हाथ में दिए हैं वो नवशिक्षित सब है, नया है, कुछ डर भी लगता है क्योंकि एक दो केस में ऐसा ऐसा केस हुआ हो गया है जंगल में, एक दो मुखिया जी सब जेल भी गए हैं, इसलिए एक राजनगर प्रखंड में भी ऐसा केस हो गया था, अंडाठारी प्रखंड में भी एक केस हो गया है, इससे डरता भी है इसलिए जल्दी जल्दी हाथ नहीं डालना चाहता कि जल्दी से जल्द काम पूरा हो जाए, सब सोच समझ के काम कर रहे हैं। बाकी ठीक है, कुल मिला के काम तो हो रहा है और हमारे वीडियो साहब ने सबको नोटिस भी किया है कि जल्द से जल्द जो है काम पूरा किया जाए। देखिए कितना दिन में होता है काम पूरा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख जी ने बताया कि ये जल नल की जो समस्या है ये हमारे गांव की नहीं है, ये नल की तो बहुत अच्छी चीज थी कि मतलब आपको पहले यहाँ पे 150 फीट का पानी पीते हैं और वो 200-300-250 फीट का अंदर लेयर से आते हैं पानी, ये तो अच्छा पानी है, स्वच्छ है, पूरा है तो अच्छा, लेकिन हमारे गाँव के लोग ही समझ नहीं पाते हैं, वो खुदाई नहीं करने देते हैं, कहीं कहीं कोई भी सारे लोग ऐसे नहीं है, कोई कोई लोग ऐसे हैं कि अपने घर के पास नल नहीं लगवाने देते, ऐसी समस्या है जी, हम भी जानते हैं, हम भी देखे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब आखिरी सवाल है मेरा कि अभी जो चल रहा है प्रमुख जी COVID-19 कोरोना महामारी, इसमें गवर्नमेंट सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर के बहुत सारे योजना लाए थे, बहुत सारे फंडिंग लाए थे, जैसे सैनिटाइज छिड़काव, मास्क वितरण, साबुन वितरण है ना, ब्लीचिंग करना और क्वारंटाइन सेंटर पे प्रवासियों को रुकने का, उनके भोजन का, उनको पैसा दिया जाता था, तो क्या आपके राज्य प्रखंड में ऐसा चीज हुआ, ऐसा किया गया, प्रवासियों सबको ठहराया गया, भोजन मिला, या आपके प्रखंड में सारे लोगों को मास्क साबुन सैनिटाइज करवाया गया? देखिए इससे पहले इसके बारे में हम कहेंगे कि फंडिंग तो हुआ है और इससे पहले हमारे वीडियो साहब अभी नया आए हैं, इससे पहले आशुतोष जी थे वीडियो, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि फंड अभी आया नहीं है, आते हैं जैसा जो करते हैं, बस बाद में पता चला कि उन्होंने बिल भी पे किया है। मुखिया जी सब का कहना है, मुखिया जी सबको जब हम लोगों का मीटिंग हुआ था तो मुखिया जी सबको कहा गया था कि भाई अपने अपने गाँव में जहां जहां भी सेंटर क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाता है उसका आप लोग देखभाल कीजिए, अपना कीजिए, उसके बाद में फंडिंग आएगा, आप लोगों को बिल दिया जाएगा। उन लोगों ने बिल जमा किया, अभी तक मुझे मेरा जो जानकारी है किसी का भी बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, फंड मतलब बोल रहे हैं कि फंडिंग नहीं है इसलिए पैसा हमको नहीं दिया गया है। हर एक मुखिया जी, किसी का 2 लाख है, किसी का 4 लाख है, किसी का 3 लाख है, किसी का 1 लाख है, ऐसे करके हर एक 2500 पंचायत के मुखिया जी के पैसे फंसे हुए हैं वहां पे। तो इसमें जो है हम लोग जैसे हमारे गांव में हुआ था तो हमने अपनी तरफ से चलो ठीक है भाई अपनी तरफ से करवा दिया, हम बोल दिए वीडियो साहब को कि हमको फंड नहीं चाहिए और न ही कुछ चाहिए, हमारे पास जो भी हमारे स्कूल में रखे गए हैं हम उनका देखभाल खुद करेंगे, खुद ही हम उनको खाना वाना खिलाएंगे, सब कुछ किए थे। अब ऐसे में देखिए जिसका अगर फंड नहीं देगा तो कोई भी आगे बढ़ के बच्चा के कैसे हिस्सा लेगा, जैसे कि हम लोगों ने वीडियो साहब ने गाँव गाँव जाकर के जहाँ जहाँ हुआ सब कुछ करवाए, जिसका भी जहां जहां क्वारंटाइन सेंटर करवाना था सब कुछ करवाए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, उसके बाद भी वीडियो साहब पल्ला झाड़ लेते हैं कि नहीं हमारे पास फंड ही नहीं है हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि फंड अभी तक जो है केंद्र से हो चाहे राज्य से हो फंड वगैरह ब्लॉक में नहीं आया है, इसी की वजह से किसी को फंडिंग अभी किसी भी मुखिया जी को फंडिंग नहीं दिया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी, आपने फंड आए और न भी आए इसके बगैर परवाह करते हुए आपने अपने पंचायत में अपने तरफ से जितना हो सके जितने प्रवासियों को फायदा दिए हैं, क्वारंटाइन सेंटर पे ठहराने का व्यवस्था हो या भोजन का, जो भी मास्क वितरण हो आपने खुद करवाए हैं और बहुत अच्छे काम किए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम
प्रमुख जी आप हमसे लास्ट में एक और बात पूछेंगे, करप्शन वाली बात पूछेंगे कि करप्शन है आपके, इससे पहले भी हम पूछे थे, बोले भी थे, करप्शन तो है यहाँ से पंचायत से लेकर के मंत्रालय तक, केंद्र सरकार तक करप्शन है, तो आपके प्रखंड में आपने किस तरह से करप्शन को रखे हुए, करप्शन नहीं है या करप्शन है, या करप्शन है तो आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए करप्शन के लिए तो कहिएगा तो मेरी नॉलेज में तो अभी तक नहीं आया कोई मसला, बाकी हो सकता है ऐसा कि माना मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल भी दूध के धुले हुए हैं सबके सब, मे भी, लेकिन हमारे सामने में अभी तक कोई ऐसा नहीं आया है मसला। जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रमुख जी ने बताया कि करप्शन तो है, करप्शन तो चल रहा है, हम भी जानते हैं, लेकिन हमारे सामने में ऐसा ऑन द स्पॉट कुछ आया नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट कुछ प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन प्रमुख जी का कहना है कि अगर कोई करप्शन लेता है और कोई देता है तो वो लेने वाला भी जिम्मेदार है और देने वाला भी जिम्मेदार है, तो ऐसी बिचौलियों से बच के रहिए, प्रमुख जी का कहना है। कोई भी वर्क आता है, काम आता है, आपके पास फंड आता है या आपको कुछ लाभ मिला है तो आपके डायरेक्ट खाते में पैसा आता है, कोई भी योजना हो आप खुद लाभ लीजिए और किसी के धमकी में ना आए, किसी के बात में ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी, अब हम आपसे विदा लेंगे, आपको हम ये बता दें कि चूंकि यह 4 साल के आप ये खत्म ही होने वाले हैं, आपका अगला चुनाव भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो आप अपने पंचायत वासी अपने प्रखंड वासियों को क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके लिए? मैं राजनगर जनता को अदा करूंगा और देखिए जो काम किए हैं, जो अच्छा करेगा उसको वोट मिलेगा, जो अच्छा नहीं करेगा पब्लिक के लिए उसको वोट नहीं देगा पब्लिक, ये तो सबके सामने में है, हर एक इलेक्शन में होता है, आगे अगर हम अच्छा काम किए होंगे तो हमको वोट जिताएंगे, पब्लिक जिता के फिर से भेजेंगे, नहीं अच्छा काम नहीं किए होंगे तो उसका तो सजा मिलना ही है सबको। जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रमुख जी का कहना है कि हम नहीं हमारा काम बोलता है, अगर हम काम अच्छा किए तो वोट जरूर मिलेंगे, इलेक्शन में फिर हम आएंगे, फिर जीतेंगे, फिर प्रमुख भी बनेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रमुख जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, सारे टॉपिक में बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए, आप लोग देखते रहिए मधुबनी गुड न्यूज, मिलेंगे फिर अगले प्रखंड अगले पंचायत में। ऑन द वे।